हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हो। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स सब्जेक्ट में, कॉमर्स का जो आपका टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट है यूजीसी नेट का, इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, यू नो सब सब्जेक्ट्स आपको लाइक मुझे बोलना सही रहेगा, तो ऐसे कौन कौन से सब सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें अच्छे तरीके से करना होगा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो पेपर वन के बारे में जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट जाकर के एक बार चेक करो, जहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारी जो है यूजीसी नेट से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ उसी प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारी यू नो एक प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक मास्टर प्लेलिस्ट है और एक प्लेलिस्ट है। तो मास्टर प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे छोटे छोटे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो यू नो फर्स्ट आपका पेपर वन हो या फिर पेपर टू, वो सारी की सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। तो आप उस प्लेलिस्ट में विजिट करो, आपको वहां पे सारी की सारी जानकारी वहां पे मिल जाने वाली है फर्स्ट पेपर से रिलेटेड। सेकंड पेपर के बारे में जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपको सारी की सारी टॉपिक्स में आपको समझा दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं, और आने वाले समय में आने वाले वीडियोज में हम टॉपिक उन सारे टॉपिक्स को डिटेल में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और एग्जामिनेशन आपका जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही जल्द होने वाला है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इन केस ऑफ एनी नीड, एनी हेल्प, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव इन योर माइंड, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप मी एट माय नंबर व्हिच इज 8101065300। ठीक है, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे टोटल 10 यूनिट्स हैं, 10 सब सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे 10 टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो कि आपके लिए टफ है, तो आप उस टॉपिक को कंप्लीटली इग्नोर कर दो। ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक्स को करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो जो जो टॉपिक आपके लिए आसान है, आप सिर्फ उन्हीं को कवर करो। जो टॉपिक टफ है उसको आप कंप्लीटली दरकिनार कर दो, क्योंकि अगर आप उसमें टाइम दोगे तो बिना वजह आपका टाइम बर्बाद होगा और एग्जामिनेशन में भी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सब्जेक्ट जो कि आपको टफ लगते हैं, उसको आप कंप्लीटली अपने दिमाग से निकाल दो, अपने सिलेबस से निकाल दो कि ये मुझे टच ही नहीं करना। तो जैसे कि मैं जैसे कि बोलना चाहूंगा कि जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, फिर जो रिसर्च मेथड्स का जो पोर्शन है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं। ठीक है, इसके इस टॉपिक को मैं भी इग्नोर करता था अपने टाइम पे, इसको इग्नोर करना ही बेहतर है। एंड ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है। उसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स आसान है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, बाकी सारी तो बहुत ही आसान है, तो हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से जिन सब्जेक्ट के ऊपर आपका कमांड ज्यादा है, आप उसको ध्यान में रख करके आप अपनी स्टडी को करो। हालांकि मेरी बात मानोगे तो सिर्फ उन्हीं को करो जिसके ऊपर आपका कमांड बहुत अच्छा है। अगर जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपका कमांड अच्छा नहीं है, उन सब्जेक्ट को दरकिनार करना, उनको इग्नोर करना ही अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में आपने 5-6 यूनिट हटा दिए, आप ज्यादा से ज्यादा 2 यूनिट्स हटा सकते हो। ठीक है, टोटल 10 यूनिट्स में से ज्यादा 2 यूनिट हटा सकते हो। 8 यूनिट आपको बाई होक और बाई कोक आपको कंप्लीट करने ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये 10 यूनिट आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। इन यूनिट्स के बारे में डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। तो यूनिट 1 है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, ग्लोबलाइजेशन, यू नो जो हमारा एलपीजी है या फिर पीमा है या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी यूनिट 1 में चली आती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, देखो एफडीआई है, ट्रिम्स है, ट्रिप्स है, गैट्स है। जो लोग इग्नू के स्टूडेंट हैं जो कि हमारे पास स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी, उन लोगों ने ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स को किया हुआ है, तो आपको इसको पढ़ने के बाद आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके पास काफी हद तक इस चीज के बारे में नॉलेज होगा, बट मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार इसको रिविजन पक्का कर लेना। ऐसा नहीं कि इसको कंप्लीटली छोड़ देना है ना, ऐसा नहीं करना है, स्टडी करनी है। ठीक है, यूनिट 2 आपका अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है। यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड सारी की सारी क्वेश्चंस जो है आपको करनी है। याद रखना ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, इसमें कोई सम्स बेस्ड क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला। जो भी चीजें होंगी वो थ्योरी बेस्ड होंगी, तो इसको अच्छे तरीके से करना है ना। और अकाउंटिंग देखो यहाँ पे एक टॉपिक है, और ऑडिटिंग तो कम्प्लीटली थ्योरी है, अकाउंटिंग भी थ्योरी है, लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जहाँ पे थोड़े बहुत सवाल आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा सवाल की आने की उम्मीद कम है। आप फिर भी जो ये फाइनेंशियल रेशियो, जो रेशियो एनालिसिस है, आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो, इसको यू नो अच्छे तरीके से समझने के लिए। ये जो रेशियो एनालिसिस है आप इसको अच्छे तरीके से कर लेना। साथ ही साथ ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, लाइफ साइकिल अकाउंटिंग है, यू नो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है, इसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। ठीक है, तीसरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स। काफी कम टॉपिक्स है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, देखो टॉपिक्स बहुत ही कम है जिनको कवर करना है। अगर आप अच्छे तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आप इसको कवर कर लोगे। थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें ज्यादा है, बहुत ज्यादा सम्स नहीं है, लेकिन ये लॉज है कंप्लीटली। यहाँ पे जैसे ऑलिगोपॉली किसे कहते हैं, मोनोपोली किसे कहते हैं, कर्व जो होता है, इंडिफरेंस कर्व जो क्रिएट होता है, उसके यू नो टिल्ड उसका किस तरफ होना चाहिए, ये बहुत ही थोड़े बहुत जो है यू नो प्रैक्टिकल रिलेटेड। ऐसा नहीं कि आपको सवाल बनाना है, लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है उसको आपको देख करके यहाँ पे करना होगा। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट है बिजनेस फाइनेंस। आपने ऑलरेडी इसको इग्नोर में किया हुआ है, बिजनेस फाइनेंस आपको करना है।
पांचवा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। मैं इसको छोड़ने की बात बोलूंगा, आप इसको छोड़ दो तो ही अच्छा है। एक दो क्वेश्चन अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप उनको देख करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन ज्यादा इसमें समय मत देना क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें आपको प्रॉब्लम होगी एग्जाम में, आप इसमें फंसोगे। तो यूनिट 5 कंप्लीटली इसको इग्नोर करना ही बेहतर है। छठा नंबर पॉइंट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये काफी आसान है लेकिन काफी लेंदी है भाई, इसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना। ये टॉपिक आपको कम लग रहा होगा लेकिन इसको समझना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है टॉपिक बहुत ही आसान, आप एक एक बार में पढ़ोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन इसको याद रखना लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी तकरीबन उसी तरह का सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा लॉजिकल है अगर आप इसको पढ़ते रहोगे और आप इन सब चीजों के टच में भी हो। आई होप आपको शेयर मार्केट के बारे में पता है, आपको IRDA के बारे में पता है, आपको NBFC के बारे में पता है, बिकॉज आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपके आपको इस चीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो आपको बस इनको एक तरीके से रिविजन करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे डायरेक्टली बात करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मैं डेफिनेटली इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यस वीडियोज तो बनेंगे ही इनके ऊपर, तो डोंट वरी। मार्केटिंग मैनेजमेंट काफी आसान टॉपिक है, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने इसको किया होगा, काफी आसान है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको इजी टू अंडरस्टैंड है, अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। नौवां नंबर है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं, किसने क्या प्रोनाउंस किया, किसने क्या कॉइन किया, है ना, कौन सा लॉ किस साल में निकला, है ना, इस तरह से मैच करने के लिए आता है इस तरह के टॉपिक, इस टॉपिक में, इस जो सब्जेक्ट हमारा, इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आसान नहीं होता मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये बच्चों के लेवल का है, थोड़ा हायर लेवल का होता है, बट उसी तरह का क्वेश्चन होगा, तो ये इतना टफ नहीं है, लेकिन याद करना, इसको याद रख पाना काफी मुश्किल काम होता है स्टूडेंट्स के लिए। दसवां नंबर पॉइंट है ITR से रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, IT और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो तो डेफिनेटली आप आगे जाकर के एक अच्छा कंसल्टेंट या फिर एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आप बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स बचाना, टैक्स किस तरीके से लोग अवॉइड करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स की प्लानिंग कैसी होती है, इन सब टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो टैक्स के रूल्स हैं, है ना, जो डिडक्शन है, ATC, ATD आपने पढ़ा होगा, वो बहुत ही कॉमन है, वो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स को हम करेंगे कवर अपने आने वाले वीडियोज में। तो ये टोटल 10 टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगी, एंड आई होप कि आपके एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से हो। आप हमारे साथ बने रहिए, हमें कॉल और व्हाट्सएप आप कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प और यू नो डाउट इफ यू हैव इन योर माइंड। एंड यस अगले क्लास में मिलते हैं हमारे टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।